What's up everyone, good morning, a very good morning to all of you. आज हम एक नई दिशा में जा रहे हैं लिंगराज मंदिर की तरफ वॉक करते हुए, तो देखते हैं डाउन द रोड होता क्या. सो दिस इज नॉट द सेम एंड टिपिकल वे व्हिच आई टेक फॉर मॉर्निंग वॉक. आज थोड़ा चेंज हो चुका है हमारा रास्ता, बिकॉज समटाइम्स चेंजेस आर गुड. सो दिस इज अनदर टेम्पल व्हिच इज आउटसाइड ऑफ लिंगराज टेम्पल, जस्ट बाउंड्री के बाहर ही है. एंड आई हैव नेवर एक्सप्लोर्ड इट एक्चुअली, स्पेशली एट नाइट इट लुक्स सो ब्यूटिफुल. एंड दिन में भी अच्छा दिखता है सुबह सुबह. आई थिंक गवर्नमेंट के प्लॉट्स को कब्जा करके यहाँ पे भी बहुत सारे घर और शॉप्स वगैरह थे, उन सब का एक्चुअली तोड़ा गया है, नहीं तो ये टेम्पल पहले दिखता ही नहीं था. आई थिंक इसी मंदिर के सामने बहुत सारे घर और दुकान वगैरह थे तो दिखता नहीं था ये मंदिर. एंड इस तरफ भी बहुत सारा मॉडिफिकेशन हो चुका है, और ये क्या था मुझे ठीक से याद नहीं, तोड़ा गया है और भी वो भी आधा तोड़ा गया है. और दूर वहाँ पे दिख रहा है शुकाचार्य टेम्पल, और इसको क्यों तोड़ा गया ये क्या था मुझे. अच्छा अभी याद आया, ये कोई कॉलेज था, संस्कृत कॉलेज या ऐसा कुछ था. और यहाँ पे मेरा एक दोस्त का शूटिंग हो रहा था वही शुकाचार्य टेम्पल के पास, आप लोग देख सकते हैं आई बटन में उसका वीडियो भी है. आई थिंक बहुत पहले आया था उन एक्ट्रेस से मिलने यहाँ पे, और वैसे वो एक्ट्रेस कम वन ऑफ द क्लोजेस्ट पर्सन है मेरे लाइफ के. एनीवे, सो नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स बिंदुसागर, और सीधा जाके लेफ्ट में दिख रहा है ये बिंदुसागर, और राइट में आएगा अनंत वासुदेव मंदिर जहाँ से हम एक बार अवड़ा लेके गए थे. वैसे मैंने पहले भी बोला है, सुबह सुबह कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी निकलो, यू विल गेट अमेजिंग व्यूज, अमेजिंग कूल एंड फ्रेश एयर, एंड ऑल्सो विटामिन डी ऑब्वियसली सनसेट. पहले ना जब भी डिप्रेस होता था, दिमाग खराब रहता था, टेंस्ड होता था, तब मैं यहीं पे आकर बैठ जाता था. लेकिन शाम को आके बैठ जाता था और रात होने तक मैं घर चला जाता था. जब भी अपने आप को अकेले रखने की मन करता था या फिर थोड़ा टेंस रहता था, कुछ चीज़ों के बारे में डीपली कभी अगर थिंकिंग करना होता था, तो मैं यहीं पे आके बैठ जाता था. लेकिन सुबह सुबह कभी नहीं आया, मैं ये पहली बार आया हूँ इतना सुबह. एनीवे, अभी चलते हैं आगे. और वैसे भी इस पानी को अगर थोड़ा साफ सुथरा करके रखेंगे ना, ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा. वैसे दूर वहाँ पे एक मंदिर दिख रहा है, उसके अगले तरफ एक दूसरा किनारा है, वहाँ से हम कार्तिक पूर्णिमा में छोटे छोटे नाव बना के हम वहाँ से भेजते थे. तो चलो चलते हैं आगे, और आप भी बने रहिए हमारे साथ. वैसे किसी ने सही कहा था, जब भी ब्लॉगिंग करते हो लोग आपको जब देखते रहते हैं ना, आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, तो उन्हीं के तरफ कैमरा को घुमा देना है, फिर अपने आपको वो लोग कैमरा में देख के अपना फोकस हटा देंगे. उई माँ, गिर गया, गिर गया. ये देख लीजिए कंप्लीट व्यू, यहाँ से मेरे पीछे बिंदुसागर दिख रहा है, और ये काफी ज्यादा ग्रीन दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर वो सब छोटा छोटा मतलब पत्ते और कुछ दल बोलते हैं हिंदी में या क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, उड़िया में दल बोलते हैं, वो ज्यादा है इसके अंदर. और वैसे मैं ये ब्लूटूथ लेके आया हूँ, लेकिन इसके अंदर आवाज कितना जा रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अगर सुनाई देता है तो अच्छी बात है. एक और प्रॉब्लम है कि इसका लेफ्ट साइड में चार्ज ठीक ठाक है, राइट साइड का चार्ज शायद कम हो चुका है. इसके लिए आप भी एंजॉय कीजिए ये वाला व्यू, हम भी करते हैं.
चलते 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 हम आ चुके हैं मुन्ना के दुकान की तरफ। ये सीधा जाओगे तो आप नया मार्केट कॉम्प्लेक्स है, वहां पे पहुंच जाएंगे हम। तो वहां पे मुन्ना का दुकान है, लेकिन सुबह सुबह यहां पे मुन्ना तो खुला नहीं होगा, और वैसे भी पीछे छोड़ के आ चुके हैं हम बिंदु सागर। हाय मुन्ना, सुबह सुबह मजा कर रहा हूं। तो ये मेरे पीछे दिख रहा है दूर से मार्केट कॉम्प्लेक्स, अभी हम सीधा जाएंगे और लिंगराज मंदिर के सामने के एरिया की तरफ पहुंच जाएंगे। चलो एक मिनट, ब्राइटनेस क्यों नहीं आ रहा है रे? चलो बेटा, पीछे रहा मुन्ना का दुकान, वो मार्केट कॉम्प्लेक्स, और हम उसके साइड में जा रहे हैं। फिलहाल तो अपना वॉक जहाँ जहाँ डेस्टिनेशन खत्म करना था वो सब हम लोग घूम ले, अभी चलते हैं घर। सो एक कोई गलती करता है वो बार बार करता है, वो गलती नहीं, वो उसको गुनाह बोला जाता है, लेकिन हमें पता नहीं ये गुनाह या नहीं। ये इस मंदिर को हमने बार बार लिंगराज मंदिर कह के दिखाया था, जो हमें खुद को भी नहीं पता था। एक्चुअली जब भी ये मार्केट कॉम्प्लेक्स की तरफ हम आते थे यही दिखता था शाम को। एक्चुअली बहुत लाइट इसके ऊपर पड़ता था, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखता था। मुझे हमेशा से यही लगता था कि यही लिंगराज मंदिर है, दूर से मुझे ऐसा लगता था, लेकिन बाद में पता चला कि वो नहीं है, वो अनंत वासुदेव मंदिर है। उसको मैं गलती से बार बार लिंगराज मंदिर कहकर इसी ब्लॉग में आपको ही पहले कुछ पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था। हाउ स्टूपिड आई एम। तो ये रहा मेरे पीछे, ये रहा अनंत वासुदेव मंदिर, इट इज नॉट लिंगराज मंदिर, आई एम सॉरी। बार बार मैंने इसको लिंगराज मंदिर कह के अपनाया, मैंने खुद को बुद्धू बनाया। होता है, गलती इंसानों से ही होता है, वैसे हम तो शैतान हैं। सो सुबह सुबह ही आ चुके हैं सब्जी वाले लोग, और खरीदना बेचना ये सब शुरू हो चुका है। काफी मॉर्निंग पर्सन है यार ये लोग, मतलब सब्जी वालों की बात नहीं करो, वो तो आते ही है, मतलब लोगों के बारे में बात करो। वैसे ये मेरे पीछे जो दिख रहा है ना, ये भी पहले खाली था, अभी रेस्टोरेंट बन चुके हैं। चलो अभी फाइनली ओरिजिनल सच्ची में जो लिंगराज मंदिर है उसके सामने पे मैं खड़ा होकर ब्लॉग कर रहा हूँ। पहली बार हुआ है, नहीं आई थिंक दूसरी बार, लेकिन गलती आपको बता दिया, पहले उसको मैं बोलता रहता था। उड़िया में बोलते हैं सुंदर तृप्तिर अवसादनाई, सो आई थिंक दिस व्यू एक्सप्रेसेस द सेम थिंग एज इट इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। सो जूम करके थोड़ा सा ही दिखा देता हूँ, इससे ज़्यादा तो देख नहीं सकते आप क्योंकि मेरे फ़ोन में इतना ज़्यादा क्लैरिटी तो है ही नहीं। सो अंटिल आई गेट अ कैमरा इसी से ही काम चला लो, यू हैव टू टॉलरेट इट, क्या कर सकते हैं। रात में इसी जगह से देखोगे तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन क्या करें, अभी दिन में आए हैं तो दिन में दिखा देता हूँ। एनीवे तो फिर चलो अपन चलते हैं घर। सो ये राइट साइड में जो एरिया है ये सब कवर हो चुका था पहले, ज़बरदस्ती का कोई घर बनाया गया था या फिर कुछ शॉप्स बनाए गए थे, वो सब तोड़ ताड़ के सुंदर बना दिए। यहाँ पे भी कुत्ते हैं मेरे पास। एनीवे ये राइट साइड में ये सब पार्क वगैरह बना दिया गया है अभी, जो कि मंदिर का ही जगह था ऑब्वियसली, गवर्नमेंट का प्लॉट था। और सीधा अभी राइट में हमारा घर के लिए रास्ता है, और लेफ्ट में जो रोड है वो था सामंतरापुर के लिए, और ये हमारा वाला रोड है। वैसे रात को अगर इस तरफ कभी आऊँगा ना तो आपको दिखाऊँगा, ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है रात को। अभी मंदिर में घुसने के लिए आपको रोज़ बनाना पड़ता है, और ये सब शेल्टर्स बनाए गए हैं, ये पूरी में भी ऐसा ही बनाया गया है अभी, और इसी के वजह से अभी ज़्यादा क्राउड नहीं होता, और अगर क्राउड होता है तो वो रो में होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग अभी ज़रूरी है तो वो भी होता है, तो बहुत सारे फ़ायदे हो चुके हैं अभी ये सब बनाने के बाद। लोग सब कतार में खड़े होते हैं इसके नीचे, और बारिश वगैरह और धूप का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ है सब। आई थिंक हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, अभी जल्दी घर पे पहुंच जाना वही बेहतरी होगा, नहीं तो घर पे बहुत सारा काम है वो सब भी बाकी रह जाएगा, फिर लेट हो जाऊंगा। सर इस तरफ से हम आए हैं और यहाँ पे हम जा रहे हैं, और सीधा सीधा हमारा घर है। मंदिर के अंदर तो आपको मोबाइल्स और कैमरा ये सब शायद अलाउ नहीं, शायद क्या बिल्कुल अलाउ है ही नहीं, तो अंदर तो कभी आपको दिखा नहीं सकता, वो तो आप खुद ही देख सकते हैं जब आएंगे। बाहर से थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नहीं, ऊपर तो नहीं, ऊपर तो वो आप तभी देखना जब शिवरात्रि होता है टीवी में। वैसे मंदिर पहले जितना सिक्योर था अभी और भी ज़्यादा सिक्योर हो चुका है, यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम और भी बढ़ा दिया गया है, अच्छी बात है, पूरी में भी वही हुआ है, और सारा का सारा धार्मिक प्लेसेस में ऐसा होना चाहिए। तो आजकल ये मंदिर का इस एंगल से लास्ट व्यू दिखा रहा हूँ, इसके बाद और दिखा नहीं सकता, अभी चलेंगे घर। सो एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है, हमें इस तरफ से जाना है, क्योंकि हमें जितना स्टेप्स क्रॉस करना है वो इस तरफ जाने से होगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं करना है, हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही करना है। तो ये मंदिर के साइड साइड में रोड है, यहाँ पे एक पहले एक सब्जी मंडी हुआ करता था, और वैसे भी इसको भी रिनोवेट कर चुके हैं, ये सब्जी मंडी को भी और ज़्यादा खूबसूरत बना चुके हैं ये मंदिर का साइड वाला रोड, जो जबरदस्ती घर बनाया गया था वो सब तोड़ ताड़ के इतना सुंदर बना दिया गया, काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये तो। यहाँ से कैमरा में क्या दिख रहा होगा पता नहीं, चलते जाओ बस चलते ही जाओ, जिंदगी का रास्ता इसे ख़त्म नहीं होता, जैसे हमारा रास्ता यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा, हम 5 से 7 किलोमीटर घूम चुके हैं शायद। सो ये लिंगराज मंदिर के साइड में मैं चल रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो दीवार ये पत्थर का है काफ़ी बड़ा है, वैसे भी ये भुवनेश्वर का शान है मंदिर मालिनी भुवनेश्वर का,
और कभी हम भी शायद बन सकते हैं भुवनेश्वर के साथ, क्या पता। वैसे आपको डाउट तो नहीं हो रहा कि ये मैं नहीं कोई और है? अभी प्रूफ हो गया कि मैं हूं। और फिर पहुंच जाएंगे अपने घर सीधा ही है। वैसे राइट साइड में एक शॉर्टकट है, लेकिन हम यहाँ नहीं सीधा जाएंगे, क्योंकि रेगुलर बेसिस में जितना किलोमीटर हमें क्रॉस करना है वो सीधे रास्ते में होगा। यहाँ पे तो शॉर्टकट हो जाएगा और हमें शॉर्टकट पसंद। वैसे ये जो म्यूजिक आप सुन रहे हो ये मेरा फेवरेट है, इसी वजह से मैं ज्यादातर ब्लॉग में इसी को डाल देता हूँ, लेकिन आप लोग शायद बोर हो चुके होंगे तो आपके लिए कुछ दूसरा मंगवाएंगे आज से। अच्छा, लास्ट ब्लॉग में मैंने बोल दिया था कि इस गाड़ी को मैंने ट्रिब्यूट दे दिया ग्रीन कलर पहन के, इसका मतलब ये तो नहीं था कि मेरे पीछे, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे पीछे ये सब घूमेगा। और पता नहीं ये क्या है, कचरे के साथ अपना नाता क्या है, जहाँ भी हम जा रहे हैं हमें फॉलो कर रहा है, और जहाँ भी जा रहे हैं हम इसी को ही दिखा रहे हैं बाई चांस, क्या पता। अपने ही घर में घुसने के लिए आप हमें वेलकम करने के लिए बैठे हो, वाओ वेरी नाइस। हेलो, कितना प्यारा दिख रहा है ये तो, ओले क्यूटी क्यूटी क्यूटी। अभी तक ताला ही नहीं खुला है ये तो। वाक खत्म। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज अमित कुमार त्रिवेदी द मैक्स, वेलकमिंग यू टू दिस चैनल। लेट्स मूव विद मैक्स व्लॉग। पता नहीं कितना है, आप खुद ही देख लीजिए। ओए यहाँ पे क्या कर रहे हो? ओए व्हाट, दोनों भाई मिलकर शुक्र है। पीछे से क्या दिखा एकदम भद्र लोग। ओए उठो रे, जब भी आप वॉक या जॉगिंग वगैरह करके आते हो आप, ये तो ऑब्वियस है, आप थक जाओगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद आपको पंखा लगा के बैठ जाना है जैसे मैं बैठता हूँ। पसीना जब निकलता होगा उस वक्त पानी ना पी, जब पसीना सूख जाए कम्प्लीटली फिर पानी पियो, फिर जाकर नहाओ। ऐसे पसीने के अंदर भी नहाना कोई सेफ नहीं है जहां तक मैं जानता हूँ, आप किसी और से भी पूछ सकते हैं, इसका सबका डिफरेंट राय हो सकता है शायद। और उसके बाद आप अगर चाहें तो थोड़ा वो टर्मेरिक और नीम का पत्ता, या फिर टर्मेरिक या तुलसी, या फिर टर्मेरिक के साथ हनी, इसको घोल के पी सकते हो, या फिर पुदीना बोल रहा था, हाँ पुदीना और ये सब पानी में घोल के पी सकते हो, या फिर कोई जूस वगैरह पी सकते हो। लेकिन हाँ, उसके साथ आपका ऑब्वियसली ये कार्डियो एक्सरसाइज टाइप का है, आप नॉर्मली जॉगिंग करोगे तो ये कार्डियो एक्सरसाइज में ही जाता है, तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये सबको ख्याल रखना पड़ेगा। उस वक्त आप कोई पीस ऑफ फ्रूट भी खा सकते हो या जूस वगैरह पी सकते हो। आप अगर डायरेक्ट फ्रूट खाओगे तो उसके साथ आपको फाइबर मिलेगा, अगर जूस बनाकर पियोगे तो फाइबर उसका थोड़ा निकल जाएगा। तो यही डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं, आप यही नॉर्मल रूटीन फॉलो कीजिए, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। एटलीस्ट आपका हार्ट रेट, आपका पल्स रेट ये सब नॉर्मल रहेगा, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। यार मैं अभी दो तीन दिन पहले कंटिन्यूअसली अभी एक हफ्ते तक अपना नाप रहा हूँ, 150-160 के बीच में रहता है, कभी कभी 160 से ऊपर जाता है, मुझे ये पता नहीं चलता 160। मेरा बचपन से एक दिमाग में था कि 160 के ऊपर चला जाएगा तो आदमी मर जाता है, तो मैं अपना खुद का देखा तो 160 के ऊपर बहुत बार आया है, लेकिन मैं जिंदा हूं अभी, अभी हम जिंदा हैं। स्ट्रेस ज्यादा रहता है तो बीपी रहेगा, ये वैसे भी फैमिली में है और मेरा तो और भी ज्यादा है, मैं बचपन से बहुत सारा, खैर उन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी चलते हैं, अपना काम धाम करते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, या फिर कुछ खाते हैं। सबसे पहले पसीना सुखाएंगे, फिर उसके बाद नहाएंगे, फिर खाना वाना खाएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, कुछ एग्जाम्स भी आ गए उसके लिए तैयारी भी करना है, और क्या, बस यही है। सो लेट्स मूव। एकदम तैयार होकर बैठ चुके हैं, लेकिन कुछ काम होने नहीं वाला क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, कहीं हम जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन आप लोग क्यों बैठेंगे, आप लोग अपना काम कीजिए, अपना दिन शुरुआत कीजिए,
अभी हम चलते हैं. सो इफ यू लाइक टुडेस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट. थैंक यू सो मच. Hey, Bill, I'm in a mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker.